इलाहाबाद से जहां पर सत्ता की हनक दिखाते हुए बीजेपी विधायक पुलिस अधिकारियों पर भड़क उठे। विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने मंत्री के घर में जाने से मना करने पर आईजी के सामने ही एएसपी से बदसलूकी की और इस दौरान विधायक की आईजी से भी जमकर बहस हुई। आईजी से विधायक की जमकर बहसबाजी हुई और यह बहस हुई बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और आईजी रमेश शर्मा के बीच। बात सुन ले शर्मा जी, उधर के कहा बात कर रही, क्यों? आई एम इनवाइटेड टू द फंक्शन। विधायक सत्ताधारी पार्टी के हैं तो आईजी के सामने ही एएसपी पर जमकर रौब झाड़ने लगे। बात सिर्फ इतनी थी कि विधायक को फंक्शन में जाने से रोक दिया गया था। आईजी विधायक से ठीक से बात करने को कहते रहे लेकिन विधायक हर्ष वाजपेयी ने एक नहीं सुना और बार बार सत्ता की हलक दिखाते रहे। और जब बहस करने से बात नहीं बनी तो विधायक ने डीजीपी से शिकायत करने की धमकी तक दे डाली। बीजेपी विधायक और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई तूतू मैमे की ये तस्वीर इलाहाबाद की है। दरअसल शहर में यूपी के राज्यपाल राम नाईक किसी कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के घर पहुंचे थे। इसी पर इलाहाबाद उत्तरी से बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी भी बिना बुलावे के पहुंचे। जब पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया तो विधायक का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। गुस्सा बढ़ा तो विधायक हर्षवर्धन ने आईजी रमेश शर्मा और एएसपी सुप्रीति माधव से बदसलूकी शुरू कर दी। काफी देर तक बहस चलती रही और हार कर विधायक वापस चले गए। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विधायक को समझाने की बात कही है। तो उसका पूरा संज्ञान लेते हुए ऐसा हुआ तो हमारे विधायक उनको समझाया भी जाएगा कि इस प्रकार का प्रकरण नहीं होना चाहिए, इस पर हम लोगों को सबको अपना संयम रखना चाहिए। नौजवान है, कहीं कुछ ऐसा हुआ है तो मैं एक दफे खुद भी इस पर बात कर लूंगा। बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी की बदजुबानी का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी विधायक सीएम के कार्यक्रम में अंदर घुसने को लेकर एसपी रैंक के पुलिस अधिकारी को जूता मारने की धमकी दे चुके हैं। इमरान लाइक, इंडिया टीवी, इलाहाबाद।